नए पाकिस्तान में तब्दीली सरकार के 100 दिन पूरे, किस वजारत ने कितना काम किया, मईशत की डोलती कश्ती को कितना सहारा मिला, लूटी हुई दौलत की वापसी का मिशन कहां तक पहुंचा, 100 रोजा प्लान पर रिपोर्ट कार्ड तैयार, इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल, वजीर आजम खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 निकाती एजेंडे की मंजूरी का इम्कान, अफगान सरहद पर बाढ़ और रोशनी लगाने पर गौर होगा, गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहात पर भी गौर किया जाएगा। Pakistan has been fighting against terrorism for the last 17 years. We've lost close to 75,000 people. Our economy has suffered over $123 billion. भारत जब तक मुज़ाकरात नहीं करेगा कश्मीर समेत दो तरफा मसाइल के लिए कैसे हल होंगे, पाक भारत कशीदगी के बाइस पूरा खित्ता मुतासिर हो रहा है, करतारपुर राहदारी तकरीब में आर्मी चीफ की शिरकत ने साबित कर दिया पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय सहाफ़ियों के एजाज़ में इशारे से खिताब। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ 462 अरब रुपये का करप्शन रेफरेंस, डॉक्टर आसिम के शरीक मुलजिम अब्दुल हमीद गिरफ्तार, सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अब्दुल हमीद की दरख्वास्त जमानत का बरस गिरफ्तारी खारिज करके गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। नैब के मुताबिक मुलजिम पर डॉक्टर आसिम के अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। और हथियार बरायम, कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का तीसरा रोज, मेड इन पाकिस्तान बम प्रूफ बख्तर बंगाड़ी हमजा और अब्दोस चिकन बम समेत जदीद जंगी आलात, गैर मुल्की मंदूबीन की दिलचस्पी का मरकज, पाक फजाइया की जानिब से सी व्यू पर एयर शो का एहतमाम किया जाएगा।